हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असन न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हां दोस्तों, ये ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 का ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर नहीं? जी हां दोस्तों, तमाम जिलों से ये ओपिनियन पोल करवाया है। पहले दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। वहीं बात कर लेते हैं महोबा की, 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस, बीएसपी और अन्य का सुपड़ा साफ है। श्रावस्ती की 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, इनके 2 विधानसभा सीट में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल कर रही है। एसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। रामपुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। हाथरस की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। अपूर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। जीडीएस और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। ओरिया की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। वही बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चलिए दोस्तों यार बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 5 पर बीजेपी, 5 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बागपत की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी का 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 3 सीटों पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 1 पर बीजेपी, बाकी 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी का 1 सीट, बीएसपी को आते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 सीट है। कांग्रेस पार्टी का 0 और बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों और बात कर लेते हैं बांदा जिले की, बांदा जिले में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी का 0, बीएसपी का 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चल दोस्तों और बात कर लेते हैं मऊ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी का 2, समाजवादी पार्टी का 2 सीट है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा था और 42 सीटों पर बीजेपी, एसपी खाते में 36, कांग्रेस पार्टी का 2 सीट है, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों और बात कर लेते हैं एटा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं संबल की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। शाहजहापुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीट है, कांग्रेस पार्टी का 1 सीट, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी का बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों और बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ है। फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर बीजेपी का यानी कि भाजपा खाते में 3 सीट है, एसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट है और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर
बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। सहारनपुर के 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट है। चंदौली की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0 सीट और समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। देवरिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बांदा जिले की। बांदा जिले में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मऊ की। 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा था और 42 सीटों पर बीजेपी, एसपी खाते में 36, कांग्रेस पार्टी का 2 सीटें, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं एटा की। 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं संबल की। 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 1 सीट, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी का बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सोनभद्र की। 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा सप। फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर बीजेपी का यानी कि भाजपा खाते में 3 सीटें, एसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट है और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0 सीट और समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। देवरिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं सिद्धार्थ नगर की। 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं हरदोई की। 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जौनपुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 4, जेडीएस, कांग्रेस पार्टी का 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीट है, सभी 4 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं इटावा की। 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में सभी 3 सीटें जा सकती है, एसपी, कांग्रेस और बीएसपी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं काशी रामनगर की। 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी 3 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से
बीजेपी का तमे दोनों सीट जा सकती है। एसपी बीएसपी कांग्रेस का सुपड़ा छाप हो सकता है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, कांग्रेस पार्टी का तमे 0, बीएसपी का तमे 0 और अन्नी पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बदायूं की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्नी पार्टी का 0-0 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्नी पार्टी का 0-0 सीट। मेरठ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का 0, बहुजन समाजवादी पार्टी का 0 और अन्नी पार्टी का 0-0 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 5 सीट, समाजवादी पार्टी का 2 सीट, कांग्रेस पार्टी का 0, बहुजन समाजवादी पार्टी का 0 और अन्नी पार्टी का 0-0 सीट। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर अन्य दल यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी का 0, कांग्रेस पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 विधानसभा सीट है, 5 में सभी 5 सीटों पर बीजेपी अपना एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। शामली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी 3 सीटों पर बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, बीएसपी को 0-0 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बराइज की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का 0, बीएसपी का 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी का 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी का 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मथुरा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से सभी 5 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। वही मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 सीटों पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 में से 222 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी 204 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो और समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव यहाँ पर 111 सीटें और कांग्रेस पार्टी का तमे जी 6 सीटें, 0 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टी पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीट, 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, काशी की यानी कि वाराणसी की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से सभी 8 सीट पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जालौन की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी 3 सीटों पर बीजेपी और बढ़त बना रही है। आगरा की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। तो वहीं सीतापुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, जेडीएस, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी को 0-0 सीट। लखनऊ की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, कांग्रेस पार्टी का 0, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट है, सभी 9 सीट पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। झांसी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से सभी 4 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। आखिरी बात कर लेते हैं कानपुर नगर की, 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 9 सीट पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं प्रयागराज की, 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 11 पर बीजेपी, एसपी खत्म है, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट में से 276 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है तीसरी बार। और एसपी खाते में यहाँ पर 120 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया, उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।